नमस्कार, बीसीएन न्यूज की खास मुलाकात में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम आए सात नवरी स्थित नागार्जुना कॉलेज में। जी हाँ, यहाँ पे आज हम बातचीत करेंगे। यहाँ नागार्जुना कॉलेज जो है मैत्रेय एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा संचालित है और यहाँ के जो सचिव है कुलदीप रामटेके, इनसे हम आज जानकारी लेंगे इस कॉलेज के बारे में। नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सर, क्या बताओगे कि ये नागार्जुना इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जो कॉलेज है, इसकी क्या खासियत है कि छात्र यहाँ आए और यहाँ पे एजुकेशन ले, क्या बताओगे आप? जी, सबसे पहले आपने बहुत सही और सटीक सवाल पूछा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैत्रेय एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित नागार्जुना इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये जो कॉलेज है इसकी खासियत ये है कि हम विद्यार्थी को उसकी अड़चने देखकर उनको तैयार करते हैं। तो अन्य कॉलेज की तुलना में लोग इंजीनियर बनाते, हम नागार्जुना कॉलेज में विद्यार्थियों का ओवरऑल डेवलपमेंट करके उसे बाहर निकालते। तो हमने स्लोगन ही दिया था कि कम एज ए स्टूडेंट एंड गो एज एन इंजीनियर। तो स्टूडेंट और अभियंता, विद्यार्थी और अभियंता के बीच में जो संक्रमण काल होता है, उसमें हम विद्यार्थियों को कैसे तैयार करते हैं, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। अधिकतर इस कॉलेज में दूर दराज के विदर्भा के देहात, ग्रामीण इलाके, आदिवासी, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, इन तबके के विद्यार्थी ज़्यादा आते हैं। सदियों से गरीबी से जूझने के कारण इन जातियों और जनजातियों को ना ज्ञान का अधिकार था, न सम्मान का अधिकार था। तो नागार्जुना इंस्टीट्यूट की तरफ से ये सर्वे किया गया और देखा गया कि आज इंजीनियरिंग के क्षेत्र में विद्यार्थियों को राष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए सुनहरे अवसर मिलते हैं, मगर उनकी गरीबी या फीस ना देख सकने की उनकी जो हालत है, उसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहले मैनेजमेंट ने ये सोचा, और अगर हमें राष्ट्रीय स्तर के टैलेंट और विश्व स्तर के टैलेंट अगर पैदा निर्माण करने हैं, तो हम लोगों ने उनको उस लेवल के ऊपर प्रशिक्षित करना चाहिए। तो ये सोच के तहत सबसे पहले हमने उनके गरीबी से जूझते हुए बच्चों का एक समस्या हल की कि उनको हमने कुछ सुविधाएँ फ्री में दी, मुफ्त में नहीं, फ्री में, ताकि वह इंजीनियर बन सके। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग एजुकेशन को हमने फ्री कर दिया, उनको अकोमोडेशन यानी रहने की सुविधा, हॉस्टल दिया। पहले हम हॉस्टल देते थे अलग जगह भाड़े से लेके या किराए से, आज हमने खुद का हॉस्टल बनाया। उसके बाद में नागपुर से ये सेंटर दूर होने के कारण उनको ट्रांसपोर्ट यानी आने जाने की सुविधा दी, साथ ही जो नए सिलेबस होते उनकी किताबें की भी उनकी सुविधा दी। इससे क्या हो गया कि विद्यार्थियों की जो मूलभूत समस्या है, फंडामेंटल, कि बिकॉज ऑफ पॉवर्टी दे वर नॉट गेटिंग एजुकेशन एंड फैसिलिटीज, पहले साल हो गए। इस कॉलेज की एक खासियत है कि हम विद्यार्थी के दृष्टिकोण से सोचते हैं। तो हमें लगा कि अगर राष्ट्रीय स्तर और ग्लोबल टैलेंट यानी विश्व स्तर के टैलेंट हो, तो विद्यार्थी का ओवरऑल डेवलपमेंट होना जरूरी है। तो मेरे साथ ही प्रिंसिपल महोदय डॉक्टर केलो सर, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर रांगडाले सर, और हमारे चेयरमैन श्रीयुत नगराड़े साहब, इन सारे लोगों के मार्गदर्शन के अंतर्गत यहाँ हमने एक मेडिटेशन सेंटर को शुरू किया कि राग, लोभ, मोह, माया, वासना, अहंकार और न जाने कितने तरह के तकलीफें भोगते हुए विद्यार्थी यहाँ आते हैं, उनके पेरेंट यहाँ आते हैं और यहाँ के शिक्षक भी। तो समस्याग्रस्त शिक्षक और समस्याग्रस्त विद्यार्थी ये ठीक से पढ़ नहीं सकते जब तक मन उनका सजग ना हो। तो अवेयरनेस की शिक्षा, मेडिटेशन की शिक्षा, ताकि वो पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, और 15-20 मिनट के गहन ध्यान में उतरने के बाद जब विद्यार्थी क्लास में जाता है या फिर टीचर पढ़ाता है, तो उन शिक्षा के परिणाम
बड़े अद्भुत निकलते हैं। तो हमारा यह कहना है कि ध्यान में गहराई में उतरे हुए ही विद्यार्थी और प्राध्यापक ये ज्ञान के डेप्थ में यानी ज्ञान की गहराई में जा सकते हैं। अन्य इंस्टीट्यूट में मैंने देखा कि लेंथ और ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज पढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ डेप्थ गहराई में टोटली कॉन्सेंट्रेटेड होके जब विद्यार्थी बाहर निकलते तो उसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। और मैं परिणाम आपको बता भी देता हूँ कि हमारा प्लेसमेंट का रिकॉर्ड ये अराउंड हमारा पूरा का पूरा प्लेसमेंट रिकॉर्ड पूरा ना बता रहा हूँ मैं, हमारी ब्रांचेस में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल और कंप्यूटर साइंस ये मेन ब्रांचेस है, तो 82% से लेके 79% के रेंज में हमारे यहाँ के फाइनल ईयर में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को तुरंत जॉब मिलता है। बिल्कुल, कोई भी मतलब स्टूडेंट आता है तो पहले ये पूछता है कि प्लेसमेंट क्या है, मतलब कौन सी जगह हमें प्लेसमेंट मिल सकती है कॉलेज से। और ये जो प्लेसमेंट होती है उसके लिए भी हम विद्यार्थियों को हाउ टू फेस ऑनलाइन इंटरव्यू और हाउ टू फेस फिजिकल इंटरव्यू मैं खुद पढ़ाता हूँ। मैं अपने नौकरी के जीवन काल में बहुत इंटरव्यू बोर्ड पे रहा, तो हमारे विदर्भा में बच्चे ब्रिलियंट थे लेकिन उनका जो टैलेंट है उसको शार्प करना जरूरी है, वी हैव टू प्रिपेयर। तो अगर आप अप्रत्यक्ष रूप से अगर मेरी बात से सहमत है तो हम विद्यार्थियों को एक कर्जा भी चुका रहे कि विदर्भा में टैलेंट होने के बावजूद स्पर्धात्मक परीक्षाओं में अगर वो उत्तीर्ण नहीं हो सकते तो सबसे बड़ा कारण यह है कि उन्हें उस तरह का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, ये इस इंस्टीट्यूट में दिया जाता है। अन्य इंस्टीट्यूट भी हमको बुलाते हैं तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको भी पढ़ाते हैं, ये किसी अन्य जगह नहीं होता। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या बाकी जो भी बॉडीज यहाँ आके वो भी इस अद्भुत प्रयोग के ऊपर हैरान रह गए और उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। दूसरे कॉलेजेस में मेडिटेशन सेंटर नहीं होता, लोग योगा से मेडिटेशन का संबंध जोड़ते हैं। योगा का मतलब होता है यूनियन ऑफ बॉडी एंड माइंड यानी शरीर का संतुलन, मगर मेडिटेशन का गहरा मतलब ये होता है कि मन को शुद्ध करना, प्योरिफिकेशन ऑफ माइंड। तो शुद्ध मन ये जल्दी केंद्रित होता है और चीज़ों को गहराई में समझने में उसे आसानी होती है। बिल्कुल, ये अद्भुत प्रयोग हमने किया और भारत में काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ, ये हमारे कॉलेज की खासियत है। जिस तरह से अभी आपने बताया कि मतलब मेडिटेशन किया जाता है जिसमें ना कि सिर्फ स्टूडेंट रहते हैं, आपके मतलब टीचिंग स्टाफ भी उसमें इन्वॉल्व रहता है, जो ये कॉलेज है ना कि स्टूडेंट के बारे में सोचता है, अपने स्टाफ के बारे में भी उतना ही सोचता है, तो बताइए इस कॉलेज की जो स्थापना है ये कब की गई थी और किस उद्देश्य से की गई थी? तो जिन्हें टेक्निकल एजुकेशन अपने विद्यार्थियों को मिलना चाहिए, खास करके गरीब तबकों को, उस तबके के विद्यार्थियों को मिलना चाहिए, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख के इस कॉलेज की स्थापना 2009 में हुई और 2009 से आज अभी तकरीबन 12 साल हो गए, तो हम लोग इसके ऊपर मतलब एक कंटिन्यूस प्रगति के इसके ऊपर है। कॉलेज की स्थापना के शुरुआती दिनों में हमें उतना रिस्पांस ज़्यादा नहीं मिलता था, लेकिन जैसे ही हमारे विद्यार्थी सफल होते गए, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होता गया, तो आज 2021 में ये हमारी पोजीशन है कि तकरीबन 83% हमारी सीट भरी जाएगी, जो कि 960 में से 800 के ऊपर, और ये एक अद्भुत अचीवमेंट है। हम लोगों ने अब स्टूडेंट को या उनके पेरेंट को ये नहीं कहा कि हमारे कॉलेज में एडमिशन लो, मगर जैसा कि आप जानती है तो दिया जलता है तो वो प्रकाशमान सब तरफ होता है, उसका आलोक उसका प्रकाश सब तरफ फैलता है। तो नागपुर या विदर्भा के अन्य जिलों में इस कॉलेज की बहुत पब्लिसिटी हुई और अब लोग खींचे चले आ रहे हैं, तो ये जो अचीवमेंट है ये मेरे ख्याल से बहुत अद्भुत है। और इसलिए भी अद्भुत है कि मैं इस प्रयोग में एक पार्टिसिपेंट करके काम कर रहा हूँ। क्या बताओगे, जो कॉलेज की स्थापना 2009 में की गई, जो पहली बैच थी, मतलब जैसे पहली बैच ऐसा होता है, कहा जाता है कि जैसे घर का बड़ा बेटा या पहला बच्चा होता है उस टाइप का जैसे पहली बैच होती है, तो पहली बैच के बारे में क्या अनुभव बताएंगे आप? पहली बैच के बारे में जो मेरा अनुभव था, उस दिनों में बॉम्बे में था और जब मैंने पता किया
ट्रस्टीज के माध्यम से, जिसको आप लोग विश्वस्त बोलते हैं। तो आपको जैसा मालूम है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के बाद 4 साल के बाद में पहली बैच बाहर निकलती है। तो उस ज़माने में यानी एम्प्लॉयमेंट का उतनी कोई तकलीफें नहीं थी, लेकिन अक्सर ये तुलना होती है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस में इस तरह से फर्क होता है। लेकिन हमारे कॉलेज में एक खासियत थी उस ज़माने में भी, 2009 के बाद 10, 11, 12 और 13 में जो कुछ बैचेस निकलना शुरू हो गई, तो डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन, ये तीन सिद्धांत के आधार पर हमने विद्यार्थियों को उस ज़माने में तैयार किया। अभी तो काफ़ी हम एडवांस हो गए, आज तो हम लोगों ने विद्यार्थियों को पूरे वर्ल्ड ट्रेंड, जैसे पाइथन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, जैसे हमारे प्रिंसिपल महोदय से आज ही बात कर रही थी कि वी विल ट्रेन आवर स्टूडेंट टू कॉम्पीट एट ग्लोबल लेवल टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड। हम हमारे विद्यार्थियों को इस तरह से तैयार करेंगे कि उन्हें जागतिक स्तर के ऊपर, वैश्विक स्तर के ऊपर जो जॉब है वो मिले। तो हमें आज का एडवांस नॉलेज के ऊपर देना पड़ेगा। उस ज़माने में डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन से सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर के लोग तैयार किए गए। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल की ट्रेनिंग दी गई और वो जो सिलसिला तब से शुरू रहा तो आज भी हो कायम। बिल्कुल, क्या बताओगे नागार्जुना कॉलेज जो है, जहाँ पर कौन सी कंपनियों से मतलब प्लेसमेंट की जाती है, क्या बताओगे? मतलब जो स्टूडेंट है, अभी आपने बताया कि बहुत मतलब स्टूडेंट है एमपीएससी भी देते हैं, आप यहाँ से उन्हें रेडी किया जाता है एमपीएससी के लिए, वहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है, तो क्या बताओगे? कई गवर्नमेंट जॉब में भी लगे होंगे, कई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होंगे, इस बारे में आप क्या बताओगे? जी, हमारे विद्यार्थी का फीडबैक हमारे प्रिंसिपल के माध्यम से हमारे पास आता है। कुछ लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी देते हैं, लेकिन अक्सर हमने देखा कि जब विद्यार्थी एक बार जॉब पे लग गया तो फिर वो कंपनियों में, आपको मालूम है, काफ़ी डिटेल और रिगरस काम करना पड़ता है। तो हमारे यहाँ जो कंपनियों ने हमारे विद्यार्थी को सिलेक्ट किया उनके नाम मैं बता देता हूँ। फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ISTC प्राइवेट लिमिटेड, ISCHRO ये लिमिटेड, सी टेक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, VS इन्फॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ब्रेम्बो ब्रेक इंडिया लिमिटेड एंड अंबुजा फाउंडेशन लिमिटेड। तो अभी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और कंप्यूटर के लोग इसमें सिलेक्ट होते हैं, और सिविल का तो प्लेसमेंट अंबुजा में 75% है। तो आप इस सत्य को मानेंगे कि जब तक कंपनी को कोई टैलेंटेड विद्यार्थी नहीं मिलता तब तक वो सिलेक्ट नहीं करते। बिल्कुल, तो इससे पता चल जाता हमारे प्लेसमेंट रिकॉर्ड से कि ये कंपनियां हमारे विद्यार्थियों को तब लेती है जब वो देखती है कि ये टैलेंटेड भी है और हार्ड वर्कर है। तो इस तरह से हम लोग विद्यार्थियों को प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा भी पेबैक टू सोसाइटी ए प्रिंसिपल, जिसको मराठी में समाज ऋणाची परत फिर बोलते हैं, तो हम यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लेते हैं, गार्डन सेंटर लेते हैं, उसके बाद में यहाँ NSS के कैंप लगते हैं। इसके अलावा भी रूरल लोगों को हम गाइडेंस देते हैं। इवन कोरोना के संक्रमण काल में भी हम लोगों ने, कोरोना के संक्रमण काल में सरकार के जो भी प्रिकॉशन थे उसको यहाँ पर भी लागू किया, लोगों को हमने गाइडेंस भी किया। तो इस तरह से ये करते हैं। दूसरी बात और बताता हूँ मैं आपको कि एक कॉलेज में जैसे ही कोई दुनिया में नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्रिएटिव इंटेलिजेंस, पावर थिंकिंग और क्रिएटिव इंटेलिजेंस हमने हमारे पर्सनल डेवलपमेंट में पढ़ाया, वो सब्जेक्ट मैंने ही पढ़ाया। हमारे प्रिंसिपल महोदय और वाइस प्रिंसिपल महोदय डॉक्टर किलो और डॉक्टर रांडाले वर्कशॉप लेते हैं, खास करके स्किल डेवलपमेंट यानी उसके कार्यक्रम लेते हैं। उसके बाद में विद्यार्थियों को इंडस्ट्रियल विजिट के लिए भेजा जाता है कि भाई वहाँ पर जाओ। बाद में ब्रेन स्पार्क के अंतर्गत एप्टीट्यूड टेस्ट होती है, और उसके बाद की जो इमोशनल इंटेलिजेंस की टेस्ट है वो मैं खुद पढ़ाता हूँ, और कंपलसरी समर और विंटर इंटर्नशिप होती है, और स्पोर्ट्स में भी हमारे लोग यूनिवर्सिटी में आगे हैं, और नेशनल लेवल के जो प्रोजेक्ट होते हैं गैदरिंग वगैरह में पोस्टर कॉम्पिटिशन हो गए, ताकि विद्यार्थियों को और प्रोफेसर को नई नई बातें क्रिएटिविटी में उसका काम करने का मौका मिले, इस तरह से हम ये देखते हैं।
नॉट ओनली वन फील्ड ऑफ द इंजीनियरिंग ओनली, वी फील दैट वी शुड डेवलप द पर्सनालिटी ऑफ स्टूडेंट ओवरऑल, तो इस तरह से हम करते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से अभी आपने बताया कि जैसे सामाजिक कार्य भी आपकी ओर से किया जाता है, मैंने मेरी जानकारी के अनुसार मुझे यहाँ तक पता है कि नागार्जुना कॉलेज में मेलघाट से भी स्टूडेंट यहाँ पे जी, मतलब आपने खुद ही उन्हें यहाँ लाया है, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, उसमें हम लोगों ने ये सिलेक्ट किया कि एजुकेशन तो सबको मिल जाता है, लेकिन उन लोगों को भी मिलना चाहिए जिन लोगों में ज्ञान की परंपरा नहीं है, जिन परिवारों में एजुकेशन ऐसी एक कैजुअल तौर के ऊपर दिया जाता है, तो धारणी मेलघाट या वहाँ विद्यार्थियों को हम यहाँ सिर्फ उनको लाते नहीं, उनको अंग्रेजी बोलना भी सिखाते हैं, उनको कैसे हैंडल करना, क्योंकि रूरल माइंड और अर्बन माइंड में फ़र्क होता है। बिल्कुल, तो उनको यहाँ एडजस्ट कैसे होना, उनको यहाँ रहने की सुविधाएँ देना, और उसके बाद में उनके व्यक्तित्व में जो कमी है, फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल नॉलेज, तो हम लोग उनके एडिशनल क्लासेस भी लेते हैं। उन अतिरिक्त क्लासेस लेने के कारण उनका क्या हो जाता है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग ये सारे फंडामेंटल उनके क्लियर होते हैं। सिर्फ पढ़ाना हमारा उद्देश्य नहीं है, उस विद्यार्थी को सफल बनाना ये हमारा उद्देश्य है, तो वी आर इम्पॉर्टेंट। क्या बताओगे 2009 से 2021 तक का नागार्जुना कॉलेज का सफ़र कैसा रहा? 12 साल के सफ़र में अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं इसको उत्कृष्ट कहूँगा। अभी हम और अत्युत्कृष्ट होना चाहते हैं, अत्युत्कृष्ट इसलिए कि इस कॉलेज के जो लोग हैं वो हमारे स्टाफ भी और हमारे विद्यार्थी भी समाज में या देश में या राज्य में प्रतिनिधित्व करें और लोग कहें कि ही इज़ फ्रॉम नागार्जुना। अभी उदाहरण के लिए मैं हमारे प्रिंसिपल महोदय और वाइस प्रिंसिपल का देता हूँ। यूनिवर्सिटी को अभी हमारे लग रहा है कि हम लोगों की प्रतिभा का सही और उचित उपयोग करें, तो उन्होंने बहुत सारी कमिटियों के ऊपर लिया है। विद्यार्थियों के भी कुछ लोगों के फ़ोन आते हैं हम लोगों को कि सर हम लोगों को आप लोगों ने जो पढ़ाया उसका एक्चुअल फील्ड में बहुत उपयोग होता है। तो एक टीचर या प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल, एक अध्यापक का संतुष्टि तब होती है जब उसके विद्यार्थी सफल हो जाए। बिल्कुल, और उनका सदुपयोग हो, बस यही हमारी कामना है, बाकी कुछ नहीं। क्या एक मैसेज देना चाहोगे जो इंजीनियरिंग के लिए आना चाहते हैं या इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उन छात्रों को, और जो अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं उन छात्रों को? मैं खुद इंजीनियर होने के कारण मैं इंजीनियरिंग के छात्रों को यही कहना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग में हार्डवर्क बहुत है। तो मेरा पहला संदेश यह है कि सिर्फ टैलेंटेड होना काफ़ी नहीं है, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कठोर परिश्रम के लिए तैयार रहना चाहिए। दूसरा संदेश यही दूंगा कि वक्त के साथ बदलो, चेंज योर सेल्फ। कई बार ऐसा होता है कि पुरानी तकनीक से हम नए ज़माने के रिक्वायरमेंट पूरे नहीं कर सकते, तो हम लोगों ने उन टेक्निक को भी एब्सॉर्ब करना चाहिए। उदाहरण एग्जाम्पल के लिए सिविल, सिविल में हम लोग पहले डंपी लेवल से लेवल लेते थे, अभी ऑटोमेटिक लेवल आ गए। अब अगर ऑटोमेटिक लेवल हम सीखे नहीं तो नौकरियां मिलना मुश्किल हो जाएगी, तो हमने नई नई टेक्निक सीखना चाहिए और अपनी लेवल फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल बढ़ाते रहना चाहिए। ज्ञान कोई 4 साल में ही नहीं आ जाता, इम्प्रूवमेंट एंड चेंज इज ए रूटीन प्रोसेस। तो विद्यार्थियों को मेरा यही कहना है कि आप हमेशा ज्ञान के संकल्प में रहो, रुकना मत, नहीं तो फिर प्रगति में बाधा होंगे। बिल्कुल, हमारे साथ थे मैत्रेय एजुकेशनल सोसाइटी के सचिव कुलदीप रामटेके। इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी जो है नागार्जुना कॉलेज के बारे में दी है, साथ ही छात्रों को भी बहुत अच्छा संदेश दिया है। इसी के साथ वक्त हो चला है यही रुकने का, अब फिलहाल के लिए यही रुकते हैं, देखते रहिए BCN न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार।